गाइज यार, अगर आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो चुकी है या फिर पिंपल के बाद आपके फेस पे जो दाग होते हैं वो रह गए हैं, तो आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी 100% सॉल्व होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि 100% टेस्टेड है वाई मी। मैंने अपने ऊपर उसे ट्राई किया है एंड उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये होम रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल और सोबर सी होम रेमेडी है। इसमें यूज होने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपको आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट इस होम रेमेडी को बनाना। तो इसके लिए हमें जिस चीज की जरूरत होगी आप देख सकते हैं, मैंने एक बाउल में ले लिया है और ये है आलू का रस। तो इसमें हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट है उनको ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है एक आलू और इसको मैं यहाँ पर एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूंगी। बहुत ही छोटा सा ग्रेटर जो होता है वो लिया है मैंने, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से जो हमारा आलू है वो ग्रेट हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से हम ग्रेट कर लेते हैं एंड इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू का जो रस होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आलू का रस रेगुलर यूज करने से ही हमारे फेस पे अगर कोई डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, तो वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसके बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पर आलू का रस। तो ये है ग्रेट किए हुए आलू और यहाँ पर मैंने एक पतला जालीदार कपड़ा लिया है, इसमें मैं सारे आलू को डाल दूंगी एंड इसके बाद इसे निचोड़ कर अच्छे से जो इसका रस है वो निकाल लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो आलू का रस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल रहा है और मुझे एक बारी के लिए इतना इनफ होगा। सो आलू का रस जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो बढ़ते हैं इसके आगे के प्रोसेस की तरफ। तो इस आलू के रस में हम एक चम्मच के करीब जो है ऐड करेंगे बेसन को एंड उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2 पिंच हल्दी। तो आप जो किचन वाली हल्दी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब लास्ट में अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा चम्मच नींबू का रस और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लंप्स ना रहे और ये बहुत ही अच्छे से एक पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी ये जो मैजिकल होम रेमेडी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब बारी है इसे अप्लाई करने की। तो चलिए इसे जल्दी से अपने फेस के ऊपर लगा लेते हैं। तो फेस पर अप्लाई करने से पहले आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। तो मेरे फेस के ऊपर अभी कुछ भी नहीं लगा है, मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है एंड उसी के साथ मैंने अपने बालों को भी अच्छे से बांध लिया है ताकि अगर ये जो पैक है वो मेरे बालों पर लग जाए तो मेरे बाल जो है बिल्कुल भी ना चिपके। चलिए जल्दी से हम इसे अपने पूरे फेस पर लगा लेते हैं। दिल तो पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं। दिल तो पागल है। मेरा फेस पैक यहाँ पर कंप्लीट तरीके से लग चुका है। अब इसे हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए एंड आप देख सकते हैं इस फेस पैक को मैंने अपने फेस के ऊपर लगाया है। आप अपनी इसे नेक पर भी लगा सकते हैं या फिर वो एरियाज जो कि जहां पर कि आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या अनइवन स्किन टोन है तो आप वहां पर भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसे ड्राई होने के बाद। 15-20 मिनट के बाद जब आपको लगे कि आपका जो फेस पैक है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है तो आपने लेनी है एक स्प्रे बोतल या फिर आप एक गीला कपड़ा ले सकते हैं जिससे आपने इस फेस पैक को अगेन गीला करना है। तो गाइज आपने देखा कि मैंने किस तरह से इस फेस पैक को रिमूव किया। तो मैंने एक स्प्रे बोतल की हेल्प से सबसे पहले अपने फेस के ऊपर जो है पानी स्प्रे कर लिया क्योंकि ये जो फेस पैक है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तो ऐसे में इसे धोना जो है काफी मुश्किल हो जाता है एंड इसके बाद जो है इस फेस पैक को हमें कुछ इस तरीके से हटाना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि स्प्रे बोतल की हेल्प से वाटर को स्प्रे करके इसे हम फिर से एक बार गीला कर लेंगे और सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर मसाज करते हुए इसे हम रिमूव करेंगे। तो मैं 2 से 3 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर मसाज करूंगी एंड इसके बाद गीले कपड़े से इसे साफ कर दूंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है
एंड क्लीन करने के बाद जो है जो फर्क है वो मुझे खुद दिख रहा है। पता नहीं अब आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी जो स्किन है वो काफी ज्यादा ग्लो करने के साथ साथ मुझे अपनी स्किन जो है खुद ब खुद एक मतलब टाइट सी फील हो रही है और काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेते हैं। तो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल लूंगी अपनी हथेलियों पर और इसी से मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लूंगी। कोई भी पैक लगाने के बाद आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम बेसन के फेस पैक का यूज करते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। और वैसे भी अभी विंटर का सीजन है तो विंटर के सीजन में हमारी स्किन होती है वो ऑलरेडी ड्राई होती है। तो यहाँ पर हम अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे और अपने फेस की मसाज भी कर लेंगे हल्के हाथों से। तो दोस्तों ये तो रही होम रेमेडी की बात जो कि मैंने आज आपको बताई, चूंकि काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी जरूरत होती है कि आप होम रेमेडी ट्राई करने के साथ साथ आपकी जो डाइट है आप उसे भी अच्छे से मेंटेन करके रखें, क्योंकि आजकल बिजी लाइफस्टाइल के चलते हमारी जो नींद है ना तो वो पूरी हो पाती है और हमारा जो खान पान है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। तो जरूरत है कि हम अपने खान पान को बेहतर बनाएं, अच्छी नींद लें और स्ट्रेस फ्री जिंदगी बिताएं, तभी हमारे फेस पे जो नेचुरल ग्रो है वो आएगा और जितने भी दाग धब्बे हमारे फेस पर होंगे वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो आई होप आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी और इस होम रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद इसका जो फीडबैक है वो मेरे साथ कॉमेंट में जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।